क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम एंड आई होप जिन बच्चों ने भी लिखा है काफियों के रिव्यू हो चुके हैं कुछ के रिव्यू रहते हैं वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा पर मुझे अच्छा लग रहा है कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो आंसर लिख रहे हैं दैट इज वेरी गुड एंड मैं टेलीग्राम के ऊपर बहुत से ग्रुप्स वगैरह के अंदर ये देखता हूँ कि बच्चे बड़े इम्पेसेंट हो रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा बेटा आ जाएगा रिजल्ट आप अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखो क्योंकि अल्टीमेटली चलो अगर आपका पेपर ना भी हुआ तो क्या पढाई खराब हो जाएगी अगले साल पेपर दोबारा देना होगा या कोई और पेपर देना होगा वहां काम आ जाएगी आंसर राइटिंग स्किल्स आपके आरबीआई वगैरह के आप एग्जाम्स देते हो सेबी वगैरह के एग्जाम्स देते हो वहां पर भी काम आते हैं दूसरी चीज अगर पेपर क्लियर हो गया फिर आज के दिन को कोसोगे ठीक है अपने आप के ऊपर गुस्सा करोगे खुद को थप्पड़ मारने का दिल करेगा कि ऐसा क्यों किया मैंने मैंने क्यों तैयारी नहीं की अगर पेपर क्लियर हो गया पेपर क्लियर हो गया तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ये मैं बता रहा हूं आपको अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा होगा या नहीं होगा उसके बाद देखूंगा तो वो बहुत गलत कर रहे हो सो सेशन नंबर है एंड नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स बेटा इसको जरूर परचेज करो ठीक है तीन सौ रुपए में आपको एक बहुत अच्छा सोर्स मिल रहा है एमसीक्यू का अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम्स दे रहे हो नबार्ड के साथ साथ आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम्स भी देने हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी एक हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन था बेटा हमारा आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर नोट लिखना था छ सौ वर्ड में मैंने लिखने को कहा था पंद्रह मार्क्स का ये रहेगा क्वेश्चन नोट अगर लिखना है, तब भी अपना स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा आपका इंट्रोडक्शन आएगा ठीक है फिर आपका जो है मेन बॉडी आ जाएगा और फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा अल्टीमेटली ठीक है अब देखो जब आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम या डायरेक्टली बैंग ऑन किसी के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो ना तो उसको बहुत ज्यादा लंबा मत खींचो ठीक है अराउंड चालीस पचास वर्ड में अगर आपको स्टेट ऑफ इरीगेशन को मैंशन भी करना है इंडिया के अंदर की इरीगेशन कितना इंपॉर्टेंट है इरीगेशन क्यों नेसेसरी है ठीक है तो वो सब आप डाल दो, लेकिन बहुत ज्यादा उसके अंदर आप आप मत लें वो बॉडी के अंदर लेकर के आए जितना आप उसको लेकर के आ सकते हैं बॉडी के साथ आप उसको कनेक्ट करें ठीक है जी तो इंट्रोडक्शन आएगा फिर बॉडी आएगा फिर कंक्लूजन आएगा फटाफट से देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं सबसे पहले देखो मैंने तो अगर मेरे को आंसर लिखना होगा तो मैं इसके अंदर जब मेरे को किसी स्कीम के ऊपर नोट लिखना है ना तो मैं सीधा आऊंगा स्कीम के ऊपर ठीक है मेरे को क्योंकि स्कीम के ऊपर लिखना है क्योंकि स्कीम मेरी अच्छे से कवर होनी चाहिए फिर जब मेरे को राइटर शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लिख दिया तो मैं उसी के अंदर मेरा टारगेट ही है कि हाँ मेरे को मेरे छे सौ वर्ड अगर मेरे को स्कीम अच्छे से आती है उसके अंदर मैं उसके ऑब्जेक्टिव भी लिखने वाला हूँ उसके भी लिखने वाला हूं, उसके अचीवमेंट भी लिखने वाला हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है कि मैं सौ डेढ़ सौ वर्ड जो है वो इधर उधर इंट्रोडक्शन में निकाल दू अगर अपने पास कंटेंट नहीं है तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा जो है वो लेकर के जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर तो मैं तो सीधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर आ गया कि भैया एक जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुई थी और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वेरियस स्कीम्स चल रही हैं फील्ड लेवल के ऊपर इरिगेशन सेक्टर में कैसे उन डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उन डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जो पैसा लग रहा है उसको कन्वर्ज किया जाए ठीक है तो कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर हो रही है फील्ड लेवल के ऊपर स्कीम का मेन एम है कि एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाए इशन सप्लाई चेन के अंदर अब एंड टू एंड सोल्यूशन क्या होता है इरीगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पानी ठीक है दो पानी आप पानी एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है प्राइमरी चीज है इरिगेशन के अंदर वाटर रिसोर्स बट वाटर रिसोर्स के साथ साथ आपके पास एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए जिसके अंदर आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो क्या आप फिर उसको फार्म लेवल के ऊपर अप्लाई कर पा रहे हो क्या पानी की क्वालिटी ऐसी है कि आप उसको फार्म लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप और विदाउट डैमेजिंग द सॉइल फिर क्या आप वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो जिसके अंदर माइक्रो इरिगेशन का एलिमेंट आ जाता है कि कैसे कम से कम पानी को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो पिकअप कर सकें ठीक है अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस नहीं है एश्योर्ड इरिगेशन के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं है वो क्या कहता है प्रोटेक्टिव इरिगेशन की भी बात करता है ठीक है एश्योर्ड इरिगेशन में तो क्या होगा कि आप जो डिफरेंट आपके पास वाटर रिसोर्सेज लेक्स लेकिन रिवर्स वगैरह है उससे आप वाटर ग्राउंड वाटर है वाटर अवेलेबल करा रहे हो प्रोटेक्टिव इरिगेशन का क्या मतलब हो गया कि कैसे आप फार्म लेवल के ऊपर जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करके यूज कर सकते हो जल संचय और जल सिंचान के थ्रू ठीक है बाय सेविंग द रेन वाटर एंड यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रो इरिगेशन अगेन ये इंटीग्रल कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटर यूज एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए ठीक है जी तो ये मेरा इंट्रोड इंट्रोडक्शन आ गया उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट कर दूंगा अपनी बॉडी के अंदर अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या आ सकते हैं एक तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही हाईलाइट किया है कि इन्वेस्टमेंट का कन्वर्जेंस करना है जो भी इरिगेशन के ऊपर फील्ड लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हो गया सब डिस्ट्रिक्ट हो गया स्टेट हो गया वेरियस प्रोग्राम्स प्लान्स जो चल रहे हैं ना उनकी कन्वर्जेंस करके एक यूनिफाइड फॉर्म में आगे चलना है फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर को एनहेंस करना है कि पानी तो पहले एज अ रिसोर्स पानी अवेलेबल तो हो फिजिकल एक्सेस तो हो अभी तो फिजिकल एक्सेस का ही एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है फार्म लेवल के ऊपर और अल्टीमेटली हमें एक्सपैंड करना है कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन जो हर खेत को पानी के अंडर आ जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्सेज इंटीग्रेशन ऑफ जो डिफरेंट वाटर सोर्सेज है कैसे उसको इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आप वाटर को सप्लाई कर सकते हो आप देख सकते हो कि जो वाटर लिफ्टिंग प्रोग्राम्स हैं या रिवर कनेक्टिंग प्रोग्राम्स हैं अल्टीमेटली वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं फिर उसको आप किस तरीके से okay, तो एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हम वेस्टेज को कम से कम करें और अवेलेबिलिटी ड्यूरेशन के कंटेक्स्ट में भी और एक्सटेंट के कंटेक्ट में भी हम इंक्रीज करें पानी की उसके बाद जी प्रेसिशन इरिगेशन को हम लेकर के आए जिससे आप वाटर सेविंग बेसिकली टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप ड्रिप uh, इरिगेशन जैसे एरियाज uh, को यूज करेंगे मोर क्रॉप पर ड्रॉप का जो कंसेप्ट है जो एक्वाफायर उसको रिचार्ज re इसके अंदर किया जाएगा और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को फॉलो किया जाएगा इसके लिए जो रेनफेड एरियाज हैं जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं वहां पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की जाए वॉटर शेड अप्रोच सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए ग्राउंड वाटर का रीजनरेशन रन रनऑफ को अरेस्ट करना ताकि सॉइल इरोजन uh, भी कम हो और उस वाटर को आप प्रोडक्टिवली और ज्यादा यूज कर सको लाइवलीहुड ऑप्शन प्रोवाइड करना एंड नेचुरल फॉर्म में आप रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे वाटर जैसी रिसोर्सेस की उसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटीज एक्सटेंशन क्या हो गया एक तरह से एजुकेशनल पार्ट आ गया यहाँ पर कि आप ये जो सारी बातें कर रहे हो कि यार हमें एक्स रिचार्ज करने हैं वाटर प्रिजर्वेशन करना है प्रोसीजन इरिगेशन यूज करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो इसके लिए आपको फार्मर्स को ट्रेन करना पड़ेगा एजुकेट करना पड़ेगा तो उसके लिए एजुकेशनल या एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप फार्मर्स को वाटर हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट क्रॉप अलाइनमेंट एज पर द वाटर अवेलेबिलिटी ठीक है जी उसके लिए आपको उसको एक्सटेंशन एक्टिविटीज या एजुकेशनल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उसके बाद जी फिजिबिलिटी uh, एक्सप्लोर की जाएगी कि क्या जो म्यूनिपल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है शहरों का उसको यूज किया जा सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर जो एग्रीकल अर्बन एरियाज के अराउंड uh, जो एग्रीकल्चरल uh, लैंड है क्या वहां पर आप ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को यूज कर सकते हो इफेक्टिव मैनर के अंदर ये वाला पॉइंट मैंने अभी तक जितने भी आंसर चेक करे ना उनके अंदर मुझे नहीं देखा अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन की कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इरीगेशन के अंदर इंक्रीज किया जाए ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और फार्मर की इनकम को आप बूस्ट दे सको अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रोग्राम्स भी आप अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो बेसिकली इसके अंदर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाटर शेड डेवलपमेंट और माइक्रो इरिगेशन फंड जैसे प्रोग्राम्स आ जाएंगे इनको बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है एक एक लाइन में एक्सेल रेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम किस लिए ये इसका मेन एम था कि कैसे जो मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंक्लूडिंग जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कैसे ज्यादा फोकस किया जाए और उनको कैसे फटाफट कंप्लीट किया जाए क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देखते हो कि इंडिया के अंदर चलते रहते हैं स्पेशली जो वाटर कंजर्वेशन या इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए हर खेत को पानी का क्या है कि कैसे आप मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एरिया या कल्टिवेबल एरिया को एश्योर्ड इरिगेशन के अंडर लेकर के आते हो और इसकी जो फंडिंग है ये कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू इसको किया जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स के पास होती है जो अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद जी पर मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कंपोनेंट है ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका फोकस क्या है कि कैसे वाटर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जाए फार्म लेवल के ऊपर तो आ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर जो एक्टिविटीज है उसके अंदर माइक्रो इरिगेशन आ जाता है जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर माइक्रो स्प्रिंकलर है और सप्लाई वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज है सप्लीमेंट्री वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज है तो सप्लीमेंट्री वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या बोलती है कि कैसे फार्म लेवल के ऊपर आप सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हो ये सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होंगे ये रेन वाटर और जो आपका रन ऑफ वाटर है उसको प्रिजर्व करेंगे ताकि आप उस वाटर को एफिशियंटली यूज कर सको वाटरशेड डेवलपमेंट बेसिकली क्या बोलता है वाटरशेड डेवलपमेंट का जो मेजर फोकस है वो है कि कैसे जो रन ऑफ वाटर है यानी बारिश में पानी हुआ बारिश का पानी बह जाता है ठीक है तो कैसे उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट की जाए सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको कैसे बेटर वे में कंजर्व किया जाए ठीक है ड्रेनेज जो लाइन ड्रेनेज जो लाइन होती हैं उनके अंदर जो है आ, पार्टिकल्स जम जाते हैं जो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इरिगेशन के लिए कैसे वो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट्स किए जाए रेन वाटर वाटर हार्वेस्टिंग को इंप्रूव किया जाए मॉइस्चर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाए तो वो सारी चीजें वाटर शेड डेवलपमेंट के अंदर आप टच कर सकते हैं एंड फाइनली माइक्रो इरीगेशन अंडर पी तो माइक्रो इरीगेशन फंड क्रिएट किया गया है नबार्ड के साथ और इसके अंदर जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली क्या होती हैं कि स्टेट को आपको फंड करना है वेरियस रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए ताकि माइक्रो इरिगेशन जो है उसके ऊपर काम किया जाए इनोवेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाए और राइट तो वो सारे एरियाज यहां पर आ जाते हैं उसके बाद बजट एलोकेशन के पॉइंट आप डाल सकते हो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021 से 26 तक भी कंटिन्यू करने का जो है प्रोग्राम सेट किया है और इसके लिए सरकार ने बोला है कि हम इन पांच सालों में 93,068.56 करोड़ रुपीस देंगे जिसमें से 37,454 सेंटर का होगा ठीक है और 2434 नबार्ड एज अ लोन देगा और स्टेट जो पैसा इसके अंदर लगाएगी दैट विल बी अराउंड 35,180 करोड़ फिर इसके अंदर आप अचीवमेंट हाईलाइट कर सकते हो कि सेंटर की जो फंडिंग है वो 90 परसेंट की है ठीक है जो दो नेशनल प्रोजेक्ट है रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट और लखावर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तो उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी नब्बे परसेंट पैसा दे दिया है और ये दो प्रोजेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्योंकि ये अल्टीमेटली सिक्स स्टेट्स को सर्व करेंगे यमुना बेसिंग स्टेट्स हैं जो जो आपकी दिल्ली हिमाचल उत्तराखंड यूपी हरियाणा राजस्थान आ जाएगा उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने अराउंड सिक्स प्रोजेक्ट्स जो है वो लिए थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर वाटर डेवलपमेंट के अंदर और इसमें से फाइव टू थ्री फाइव टू फोर थ्री कंप्लीट हो चुके हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के अंदर 32.697 लाख हेक्टेयर को कवर किया जा चुका है माइक्रो इरिगेशन के अंदर uh, ये जो एरिया है ये 2018-19 से बीस 20 इक्कीस के बीच में इसको इंक्लूड किया गया है 2019 से लेकर के अब तक 15 प्रोजेक्ट को अप्रूव uh, किया गया अंडर ग्राउंड वाटर सब कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी जो प्रोग्राम है इसमें और 12 स्टेट्स इसके अंदर बेसिकली हैं तो ग्राउंड वाटर की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम चल रहा है रिपेयर एंड रेनोवेशन कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इसके अंदर 395 वाटर बॉडीज की रिपेयर जो है इट हैज बीन अंडरटेकन एंड इनमें से 100 वाटर बॉडीज का काम जो है कंप्लीट हो चुका है सरफेस माइनर इरिगेशन की अगर हम बात करें तो टोटल वन थ्री टू वन स्कीम्स को इंक्लूड किया गया टू थाउजेंड एटीन से लेकर के नाइनटीन तक और सेवेंटी सेवन स्कीम्स को कंप्लीट कर दिया गया है इन टोटल स्कीम्स में से तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं एंड फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो कि देखो जी इंडिया के अंदर अब इसका अगर कंक्लूजन मेरे को देना होगा इंडिया हैज वन ऑफ लार्जेस्ट ल अंडर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन but still our production and yield per hectare आप नोट कर लीजिएगा प्लीज मैं यहां पर आपको डिक्टेट कर देता हूं बट स्टिल आर प्रोडक्शन एंड yield पर हेक्टर आर लेस देन Many other countries which have comparatively lesser area under agricultural cultivation. The major reason for this is the lack of appropriate irrigation facilities. If the irrigation facilities are improved, India can become the granary of the world. एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज वन ऑफ द की स्कीम्स टू मेक इंडिया द वर्ल्ड ग्रीनरी एंड ऑल्सो इम्प्रूव इट्स फूड सिक्योरिटी एट द नेशनल लेवल ठीक है फर्दर इसके अंदर आप अपने एंड पे और कोई पॉइंट डालना चाहे वो डाल सकते हैं रिकमेंडेशन uh, आप इसके अंदर अपनी डाल सकते हैं एक दो अगर आप रिकमेंडेशन डालना चाहे कि फास्टर इंप्लीमेंटेशन हो प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग हो वो सब पॉइंट्स आप डाल सकते हैं ठीक है बेटा चलिए सो विद दिस वी विल एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा करे चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय